और देखो भाई बुलेट के ऊपर। तो क्या हाल है भाई सबके, काफ़ी दिनों बाद मेरी एक वीडियो आ रही है, तो आज आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि मैं हूँ कहाँ पे। तो मैं इस टाइम पे हूँ कनाडा के रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे। ये आप देख सकते हो कनाडा के अंदर हूँ मैं। अगर यकीन नहीं हो रहा तो बाहर का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ व्यू। तो ये कनाडा ऑफ कोर्स इंडिया नहीं है। तो आज मैं आया था रॉयल इनफील्ड टोरंटो के शोरूम, क्योंकि आपको पता है बुलेट से काफ़ी प्यार है। आपको पता ही है कि 5 साल हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए और बुलेट का स्पेयर पार्ट बेचते हुए। तो आज आपको एक ग्लिम्स देते हैं यहाँ की रॉयल इनफील्ड का। तो भाई साहब ये देखो, चमकते सितारे हमारे को देखने को मिलेंगे। ये ऑफ कोर्स आपकी 350cc जो स्टैंडर्ड है, न्यू जो लॉन्च हुई है, वो अपनी आ जाती है सुपर मिटी और 650। ये आ जाएगी अपनी हंटर, और ये सारी ही बाइक्स जो है आपको रॉयल इनफील्ड टोरंटो के शोरूम पे मिल जाएंगी। और इनका रिपेयरिंग का काम भी है, वो गैलन्स रखे हैं जिसके अंदर आपको इंजन ऑयल मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो कम ओवर हेयर टू रिपेयर आवर कार्स एज वेल। और ये देखो भाई हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, इट इज़ इंटरसेप्टर 650। इसकी रिपेयरिंग चल रही है इस समय, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि यार दोबारा रॉयल इनफील्ड के दर्शन हो गए। मतलब जब मैं आया था यहाँ पे तो अपनी बुलेट को मत्था टेक के ही आया था कि भाई मैं कनाडा जा रहा हूँ। अब 4.5 महीने तक मैंने तुम्हें चलाया नहीं है, बट यहाँ आके आई एम फीलिंग सो गुड, क्योंकि बुलेट से देखो अपना पंजाबियों का प्यार होता ही है ऑफकोर्स। तो ये अपनी भाई बुलेट है, और यहाँ पे सुपर मिटियोर तो आपको पता ही इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को शॉटगन 650 भी देखने को मिल गई है, क्योंकि इंडिया में शायद अभी तक लॉन्च नहीं हुई। आई एम नॉट फुल्ली अवेयर अबाउट इट, बट जहाँ तक मुझे पता है तो वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। एंड आ जाओ देखते हैं, ये है भाई अपनी शॉटगन 650। बड़ा प्यारा कलर है, इसका सिल्वर रंग देख के ना मेरे को अपनी क्लासिक 500 याद आ गई। आई एम रियली मिसिंग माई बाइक एट द मोमेंट। तो मैं उसकी एक फ़ोटो भी डाल दूंगा कि भाई मेरी बाइक दिखती कैसी थी। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है जो मेरे को देखने को मिली है कि बाइक्स जो है ना पूरी स्टॉक कंडीशन में है। मतलब यहाँ पे मैंने देखा है कि कोई फालतू की मॉडिफिकेशन नहीं है। मतलब जैसे इंडिया के अंदर ना चाहते हुए भी ना थोड़ा सा चेप आ जाता है कि भाई ये भी इंस्टॉल करो, बट यहाँ पर इट्स टोटली ऑसम। एंड इस टाइम पे हमारे यहाँ के जो भाई जी है उन्होंने रियर व्हील खोला हुआ है। ये आ गया जी रियर व्हील। So I just put it on my way. All I'm doing is all I'm doing is all sad. I'm a goddamn man, put a watch in